going to study about our chapter 3, that is fiber to fabric. Last video में हमने हमारा chapter 2 complete किया था. अब हम move करते हैं हमारे chapter 3 पे. Fiber to fabric. हम जो भी cloth wear करते हैं, पहनते हैं, वो कहाँ से मिलता है? Fiber से. अब fiber मिलते कहाँ से हैं? Fiber mainly हमें दो method से obtain होता है. That is natural fiber and synthetic fiber. जो हमें naturally obtain होता है, या plants और animals से obtain होता है, वो आता है हमारे natural fiber में. अगर हम एग्जांपल देखें तो इसका प्लांट से हमें मिलता है कॉटन, जूट, फ्लैक्स. एनिमल फाइबर की बात करते हैं, एनिमल से हमें मिलता है वूल, सिल्क. नेक्स्ट आता है सिंथेटिक फाइबर, वो फाइबर जो केमिकल्स की हेल्प से बनाया जाता है, वो आता है हमारा सिंथेटिक फाइबर्स में विद द हेल्प ऑफ केमिकल. जो केमिकल की हेल्प से बनाया जाता है वो आता है सिंथेटिक फाइबर में. सिंथेटिक फाइबर को हम मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं. एग्जांपल होता है इसका रेयन. नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा फाइबर्स फ्रॉम एनिमल, मतलब एनिमल से हमें क्या मिलता है फाइबर. बेसिकली जो एनिमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सारे के सारे फाइबर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल फीस जो होता है, शिप की बॉडी के ऊपर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं फाइबर होते हैं, उसका नाम होता है फीस. रैबिट और कैट पे फर होते हैं, स्क्वायरल के ऊपर ब्रिस्टल्स होते हैं, और सिल्क वर्म से हमें क्या प्रोड्यूस होता है, सिल्क. सिल्क एक फाइन थ्रेड होता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्शन. बेसिकली आपके सिलेबस में दो टाइप के हम फाइबर्स पढ़ेंगे, सिल्क एंड. तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ. सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या क्या होती है, कैस किस किस मेथड से हम वूल को प्रोसेस कर सकते हैं. तो आता है वूल फाइबर इज नेचुरल हेयर दैट ग्रो ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल. वूल फाइबर जो है वो नेचुरल हेयर है जो एनिमल की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीस बोलते हैं. जो ये फ्लीस होता है इसके पास प्रोटीन सब्सटेंस होता है. फ्लीस के पास प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिसको क्या बोलते हैं, कैरेटिन. हेयर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कैरेटिन प्रेजेंट होता है. कैरेटिन के अंदर बेसिकली अगर कंपाउंड देखें तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट होता है. कैरेटिन के अंदर बेसिकली क्या कंपाउंड देखते हैं तो कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट हो रहा है. जो फ्लीस का स्पंजी होता है ना, कहीं मोटा कहीं पतला, वो किस वजह से आता है, क्योंकि जो फ्लीस होता है, वूल फाइबर होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रीम्स और कर्ल्स प्रेजेंट होते हैं. जितने ज़्यादा क्रीम्स प्रेजेंट होंगे, कर्ल्स प्रेजेंट होंगे, उतना हमारी गुड क्वालिटी का क्या होगा, वूल होएगा. ये जो क्रीम्स होते हैं ये क्या करता है, जो वूल फाइबर होते हैं उनको आपस में होल्ड करके रखता है, ताकि जो वूल फाइबर है वो हमें ज़्यादा क्या दिखे, फ्लफी दिखे. जो वूल होता है वो क्या होता है, गुड इंसुलेटर होता है किसका, हीट का. ना तो वो हमारी बॉडी से हीट को बाहर जाने देता, ना ही बाहर की हीट को हमारी बॉडी में अंदर एंटर करने देता. बेसिकली दो टाइप के हेयर प्रेजेंट होते हैं वूल के ऊपर, एक थिक हेयर होते हैं और एक सॉफ्ट हेयर होते हैं. फाइबर्स बनाने के लिए किनका यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट हेयर का यूज़ किया जाता है. जो थिक हेयर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. हमारा क्वालिटी ऑफ वूल डिपेंड्स, वूल की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है. बेसिकली जो वूल्स की क्वालिटी होती है वो एनिमल की हेल्थ के ऊपर, एज के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है. जैसे लैम वूल है वो क्या होता है, वो सुपीरियर क्वालिटी का वूल होता है. जो कहाँ से आता है, बेबी शिप से आता है. सेकेंड वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एनिमल की इन्वायरमेंट के ऊपर, कौन से रीजन में जो हमारा एनिमल है वो रह रहा है. थर्ड वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, एनिमल के किस पार्ट से हम वूल को ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे शोल्डर रीजन से लिया है हमने, बैली रीजन से लिया है, बैक रीजन से लिया है, तो ये सब क्या करती है, डिपेंड करती है. बेसिकली थ्री हो गए. नंबर फर्स्ट वो डिपेंड करती है एनिमल की एज और हेल्थ कंडीशन पे. सेकेंड हो गया वो एनिमल के इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है. थर्ड हो गया वो एनिमल के बॉडी पार्ट पे डिपेंड करती है, हमने कहाँ कौन से बॉडी पार्ट का फ्लीस वूल लिया है फाइबर बनाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ वूल. बेसिकली जो वूल होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं. नंबर फर्स्ट आता है हमारा लैम वूल.
ये क्या आएगा, सॉफ्ट होएगा, लॉन्ग होएगा और सुपीरियर क्वालिटी का आएगा। सेकेंड आता है हमारा सॉफ्ट वूल। सॉफ्ट वूल जो होता है वो अडल्ट एज और हेल्दी वूल्स एंड हेल्दी शिप से आता है। इसकी क्वालिटी भी लैम्ब वूल के कंपेयर में क्या होती है, थोड़ी लो होती है पर सॉफ्ट होता है। थर्ड आता है हमारा रफ वूल। रफ वूल जो होता है वो जो इसकी जिस एनिमल की बहुत ज़्यादा एज हो चुकी उस एनिमल से आता है रफ वूल, या जिस एनिमल को कोई डिजीज है, जिस शिप को कोई डिजीज है वहाँ से हमें क्या मिल रहा है, रफ वूल, जैसे कि कैमल हुआ, शिप हुई या फिर या हुआ। फोर्थ आता है हमारा अंग्रोव वूल जो है वो हमें अंगोरा रैबिट से मिलता है। ये वूल क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है और इसका जो फाइबर होता है वो क्या होता है, गर्म ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेरिनो वूल। मेरिनो वूल जो होता है वो हमें स्पेशल जो शिप की स्पेशल ब्रीड होती है वहाँ से मिलता है। ये जो वूल होता है मेरिनो वूल होता है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, फ्लफी होता है, इसका जो वेट होता है बहुत लाइट होता है और हाईली क्रीम होता है। जितना ज़्यादा क्रीम्स प्रेजेंट होगी उतना ज़्यादा हमारी वूल की क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी। मेरिनो वूल जो होता है ये क्या होता है, स्मूथ होता है और क्रीज रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट आता है हमारा पाशिमा वूल। पाशिमा वूल जो गोट हिल रीजन में या कोल्ड रीजन में रहती है वहाँ से हमें क्या मिलता है, पाशिमा वूल। ये वूल जो होता है ये सॉफ्ट होता है और इसका सिल्की टच होता है। पाशिमा वूल का क्या आता है, सिल्की टच होता है और ये सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा शातोश वूल। शातोश वूल जो होता है ये हमें स्पेशल टाइप की ब्रीड से मिलता है, जिसको मतलब जो आइस एनिमल होता है स्पेशल टाइप का जिसको चीनू बोलते हैं वहाँ से ऑब्टेन होता है। पहले क्या करते थे, इस एनिमल को हंट कर किया जाता था इसके वूल के लिए, क्योंकि जो इसकी वूल थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और बहुत ज़्यादा सॉफ्टी टच था उसका, इसलिए लोग क्या करते थे, इस एनिमल को किल करते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, बैन लगा दिया इस वूल के ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा मोहेयर।